नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं manoharanjana.com। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया है, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। जैसा कि दोस्तों, आने वाले दिनों में भी हम वीडियो डालेंगे म्यूचुअल फंड पर और ये पूरी सीरीज चलेगी म्यूचुअल फंड में। तो आज हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये जो वीडियो है और जो वीडियो सीरीज़ आ रही है, ये किन किन लोगों की मदद करेगी। तो फर्स्ट ऑफ सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो जिनको बेसिक थोड़ा बहुत पता है, या उन लोगों की मदद करेगी जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, जो एकदम नया है, जिन्होंने बस टीवी में इंटरनेट में कहीं ये सुन रखा है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो ये बताएगा म्यूचुअल फंड क्या वास्तविकता में सही है या गलत है, या रिस्क है तो कितना रिस्क है, क्या रिस्क फ्री म्यूचुअल फंड भी होता है, इनकम दोस्तों क्या उसमें गारंटी मिलती है, जिससे बैंक में हमें एफडी पे जो ब्याज मिलता है वो हमें एफडी कराने के समय पता चल जाता है कि हमें 6% ब्याज मिलेगा या 7% मिलेगा या 5% मिलेगा, जो भी बैंक है और जिस राशि पे भी आपने करवाया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है। तो सबसे पहले तो म्यूचुअल फ़ंड दोस्तों उन लोगों के लिए बना है जो कि एक्टिवली बाज़ार में को ट्रैक नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं किसी अदर फील्ड में काम करता हूँ और 9 to 5 में जॉब करता हूँ कहीं पर, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे स्टॉक्स को, इंडेक्स को, या जो भी जिस सेक्टर में मैं अपना निवेश रखना चाहता हूँ उसको पर्टिकुलर रोज के रोज ट्रैक कर पाऊँ। और मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है उस फील्ड का कि उसमें कब खरीदना ठीक रहेगा, कब बेचना ठीक रहेगा, कब एक पैसा उसमें डालना ठीक रहता है, कब उससे पैसा निकालना ठीक रहता है। तो सामान्यतः म्यूचुअल फंड जो होता है ये क्या करता है कि एक ट्रस्ट द्वारा बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी बैंक का म्यूचुअल फंड सुना होगा, आपने SBI का म्यूचुअल फंड सुना होगा, आपने एक्सिस का म्यूचुअल फंड सुना, HDFC के म्यूचुअल फंड सुने हैं। तो ये क्या करते हैं, HDFC बैंक नहीं चलाती है उस म्यूचुअल फंड को, HDFC बैंक क्या करती है कि एक ट्रस्ट बना देती है। उस ट्रस्ट में कुछ ऐसे जिम्मेदार लोग बिठाए जाते हैं, ऐसे ज्ञानी लोग बिठाए जाते हैं जिनको उस पर्टिकुलर फील्ड की म्यूचुअल फंड को मैनेज करने की, जिनको फंड मैनेजर कहा जाता है, उनको अपॉइंट करता है बैंक। और वो होते हैं जो डायरेक्ट फिर बाज़ार में इंटरेक्ट करते हैं पैसों के साथ। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि मुझे किस सेक्टर में किस स्टॉक को ख़रीदना है, तो किस स्टॉक को कब ख़रीदना है, कब बेचना है, कब मेरे लिए फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है, कब मेरे लिए नुकसान ज़्यादा हो सकता है। अब जो फंड मैनेजर होते हैं नॉर्मली वो एक तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होना ही चाहिए, और दूसरा उसमें ये रहता है दोस्तों कि जो उनका नॉलेज प्लस उसके पास एक्सपीरियंस इतना होता है जो कि नॉर्मल, जैसे मान लीजिए कोई फंड मैनेजर है उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस होता है, 15 साल का भी एक्सपीरियंस होता है, तो ये क्या करते हैं पूरा अपना इंटायर लाइफ जो होती है फंड मैनेजर के रूप में डिप्लॉय कर देते हैं वहाँ पर। जैसे मान लीजिए कोटक महिंद्रा का जो म्यूचुअल फंड है उसमें जो नीलेश शाह करके हैं, वो टीवी चैनल्स पे आते हैं, उनकी आप बातें सुनिए, उनके नॉलेज का लेवल आपको पता चलता है किस तरह से वो काम करते हैं, उनके उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो मार्केट के देखने का उनका नज़रिया क्या है, तो आपको मोटा मोटी उनसे चीज़ें समझने को मिलेगी। और दूसरा ये दोस्तों कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे काम करता है वो, बनता कैसे। तो जैसे मान लीजिए HDFC बैंक है, उसने ट्रस्ट बना लिया है, उन ट्रस्टी के को में फंड मैनेजर भी होते हैं, और वो क्या करते हैं जैसे मान लीजिए जो आम लोग हैं वो 500 रुपये महीना सेविंग करके ऑटो डिडक्ट होता रहता है। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूँ कि हर महीने की शुरुआती 5 तारीख को 100 लोगों से 500 रुपये आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो वो जो भी पैसा आया है वो उस फंड मैनेजर के पास चले जाता है। अब फंड मैनेजर के पास जब भी जाता है तो जो यूज़र होता है या जो पैसा देता है वो पहले ही सिलेक्ट कर लेता है कि मुझे इक्विटी में डालना है। इक्विटी में डालने के बाद वो ये सिलेक्ट करता है कि मुझे किन सेक्टरों में डालना है, जैसे मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर में डालना है, NBFC में डालना है, सीमेंट सेक्टर में डालना है, IT में डालना है, ऑटो में डालना है, FMCG में डालना है, वो सेक्टर उसने डिफाइन कर लिया। अब दो चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है, एक तो सेक्टर होता है और सेक्टर के पहले आपको बताना होता है कि इक्विटी में डालें और डेट में डालें। इक्विटी दोस्तों थोड़ा सा रिस्की होता है, और डेट में ऐसा होता है जैसे मान लीजिए आप किसी रोड बनाने वाली कंपनी को लोन देते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आप लोन देते हैं तो आपको पता रहता है कि लोन पे आपको जो ब्याज दर मिलेगा वो क्या रहेगी। तो ऐसे ही जब आप डेट में, मतलब डेट म्यूचुअल फंड में जब भी आप पैसा डालते हैं तो आपको पता रहता है कि डेट म्यूचुअल फंड का पिछला रिकॉर्ड या पिछला जो इंटरेस्ट रेट या पिछला जो रिटर्न रेट रहा है वो पर्टिकुलर 7% रहा है, 8% रहा है या 10% रहा, जो भी रहा है,
और इक्विटी में ऐसा नहीं है कि पिछली बार अगर इसने 20% का रिटर्न दिया था तो आपको इस बार भी 20% का ही रिटर्न मिल जाएगा। डेट में मोटा मोटी सेम रहता है और इक्विटी में थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है डेट के मुकाबले। हालांकि रिस्क बढ़ने के साथ साथ रिटर्न बढ़ने की भी संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। तो पहले स्टेप में हमने देखा कि व्यक्ति पैसा जमा कराता है, फिर वो सिलेक्ट करता है कि उसको कौन सी उसमें जाना है, जैसे इक्विटी में जाना है या डेट में जाना है। उसके आगे जो अगला स्टेप आता है, तीसरा स्टेप जिसको हम बोल सकते हैं, वो स्टेप ऐसा रहता है कि इक्विटी में भी आ गए। अब इक्विटी के बाद वो बंदा सिलेक्ट करता है सेक्टर कि कौन से सेक्टर में मैं डालूँ। जैसे मान लीजिए उसको ऐसा लगता है कि यार जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो डे टू डे चीज़ें, जिसको FMCG बोलते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर जो गुड्स होता है, FMCG जिसको बोला जाता है, उसमें ग्रोथ अच्छी लग रही है उसको, या उसको ऐसा अनुमान है कि उस सेक्टर में ग्रोथ अच्छी रहेगी, तो वो उसमें पैसा डाल देगा, उन म्यूचुअल फंड मैनेजर को बोल देगा। या इस हालांकि बोलना नहीं होता है आजकल, आजकल ऑनलाइन आप जब भी अप्लाई करते हैं आप पहले ही सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है, तो आप FMCG से कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करता है, कोई भी आपको फोर्स नहीं करता है कि आपको क्या सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे बैंकिंग सेक्टर हुआ, FMCG हुआ, NBFC हुआ, ऑटो हुआ, उसके बाद IT हुआ, बहुत सारे सेक्टर्स हैं ऐसे। तो आपने सेक्टर कर लिए, अब सेक्टर में भी फिर आप अंदर जाते हैं तो उसमें आपको मार्केट कैप के हिसाब से पता सिलेक्ट करना होता है कि आपको लार्ज कैप में डालना है, मिड कैप में डालना है, स्मॉल कैप में डालना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको फिर वहाँ वापस वेरिएशन मिलता है कि आपको किस सेक्टर में डालने के बाद किन कंपनियों में डालना है। जैसे उस सेक्टर की, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ बैंकिंग सेक्टर में, अब बैंकिंग सेक्टर में दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, HDFC हुआ, ICICI हुआ, कोटक हुआ, तो HDFC जैसे सबसे बड़ा बैंक है, तो आपको वहाँ भी आपके पास ऑप्शन रहता है कि हम लार्ज कैप में डालेंगे, लार्ज कैप में बड़े बैंक्स हुए उनमें डालेंगे, जैसे लार्ज RBL हुआ है, उसके बाद जो एक और जो भी AU स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक आया है, और कुछ ऐसे ऐसे बैंक आए हैं, तो वो उस जो लार्ज कैप में है उनमें नहीं आएंगे, वो मिड कैप में आएंगे या स्मॉल कैप में आएंगे। तो वहाँ भी आप उससे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पैसा डालना है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आप जैसे ही उनमें पैसा डालते हैं तो एप्लीकेशन के समय ही आपको ये देखना होता है कि उसको जो आप जो स्कीम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें लॉक इन पीरियड क्या है। लॉक इन पीरियड दोस्तों वो होता है कि कुछ में तो ऐसा होता है कि आपने मान लो 3 किस्त डाली, उसके बाद आपने पैसा डालना बंद कर दिया, तो अगर आपने बंद कर दिया तो क्या वो उसी दिन या अगले दिन ही आपको विड्रॉल करने की फैसिलिटी देता है, या मिनिमम आपको 3 महीने, 6 महीने, साल भर का लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड सामान्यतः ऐसी चीज़ें होती है या ऐसी शर्त होती है कि आपने जो पैसा डाला, मान लीजिए अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर की 5 तारीख को आपने पैसा डाला, तो कुछ जो कंपनियां होती है वो करीबन 6 महीने का लॉक इन पीरियड देती है, कुछ जो कंपनियां होती है वो साल भर का देती है। वो नॉर्मली एक शर्त होती है कि आप 6 महीने से पहले इस म्यूचुअल फंड से बाहर नहीं निकल सकते हैं। कुछ कंपनियों के लिए साल भर की होती है कि आप साल भर से पहले बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो ये तो हुआ लॉक इन पीरियड दोस्तों। और आप उनको अगर रिकॉर्ड देखना चाहें तो किन्हीं भी कंपैरिजन वाले साइट पर जाके उन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कि उन्होंने पिछले 3 साल में, पिछले 2 साल में, या पिछले 5 साल में उन्होंने एक क्या क्या परफॉर्मेंस दिया, किस बेस की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों वो ये रहता है कि आप जो जुड़ रहे हैं उन्होंने पैसा कहाँ लगाया है। ठीक है, आपने जैसे बैलेंस उसमें लगा दिया, तो बैलेंस में दोस्तों ये होता है कुछ पैसा आपका डेट में लगता है और कुछ बाकी के सेक्टरों में लगता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि LIC जैसे म्यूचुअल फंड है, अब LIC ने क्या कर रखा है, जब पिछली बार मैंने बैलेंस शीट पढ़ी थी तो उनका जो पैसा है वो कहाँ लगा हुआ है, जैसे कि आरकॉम हुआ। ठीक है, अब आरकॉम क्या है दोस्तों, लगभग लगभग ख़त्म होने वाली कंपनियाँ, ख़त्म हो ही गई है कंपनी, और उनका जो पैसा लगा है वो 150 के आसपास का लगा है। तो म्यूचुअल फंड जिसने ख़रीदा है उनका पैसा तो 150 के लेवल पे लगा है। अब उनका जब आज की जो मार्केट वैल्यू देखे, मान लो 2 रुपया, 1 रुपया, 3 रुपये जो भी चल रही है, तो उस 150 रुपये का वो उनके बदले में 1 रुपया देंगे, तो कितना लॉस हो रहा हमें ये भी देखना है। तो कुछ जो खास खास मेन पॉइंट नोट करने वाले हैं वो ये है कि सबसे पहले तो हम सेक्टर का चुनाव अच्छे से कर लें कि हमें किस सेक्टर में डालना है, और सेक्टर के पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। यदि हम थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं तो हमें इक्विटी में जाना चाहिए, और यदि हम रिस्क कम ले सकते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हमें डेट में जाना चाहिए। उसके बाद सेक्टर पे भी, जैसे पर्टिकुलर सेक्टर हम कैसे डिसाइड करें, तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि आप न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हैं, आसपास की जो खबरें हैं उनका आप बेस बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे अभी बरसात हुई, बरसात में क्या है दोस्तों, बाढ़ आई, अब बाढ़ आने से
कई राज्यों में अच्छे खासे नुकसान हुए, ठीक है। वहाँ पर बिल्डिंग्स भी चले गए, मतलब या तो गांव के गांव ख़त्म हो गए, शहर भी अच्छे खासे नुकसान हो गए। तो उनको वापस रिक्रिएट करने के लिए, वहाँ पर उनको वापस बनाने के लिए सीमेंट, सरिया, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मटेरियल हैं, रॉ मटेरियल, इनकी जरूरत ज़्यादा पड़ती है। तो आप उस समय आप देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर राज्य में कौन सी कंपनी का प्लांट लगा हुआ है, या कौन सी कंपनी वहाँ पर सप्लाई करती है, किस कंपनी की सेल्स उस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा होती है। तो आप वहाँ पर उस पर्टिकुलर सेक्टर की, जैसे मान लीजिए सीमेंट का आपको पता चल गया पर्टिकुलर ये जो है इस कंपनी की सीमेंट वहाँ ज़्यादा बिकती है, तो आप उस सीमेंट सेक्टर में, उस स्टॉक में उसका जो कैपिटल साइज, जैसे लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उसमें आप पैसा लगा सकते हैं। तो ये हुई दोस्तों सेक्टर को चूज़ करने वाली बात। दूसरा ये है कि आप लॉक इन पीरियड देख लीजिए, लॉक इन पीरियड क्या होता है। तीसरा ये है दोस्तों कि आप ये देख लीजिए उसमें उन्होंने पैसा कहाँ कहाँ लगा लिया है। ऐसा तो नहीं कि डूबती हुई कंपनी में लगा रखा है और अभी तक उन्होंने चेंज ही नहीं किया। हालांकि ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड ऐसा है जिसने 50 कंपनियों में लगाए, तो ऐसा नहीं है 50 के 50 ही पॉजिटिव चली जाएगी या 50 के 50 ही नेगेटिव चली जाएगी। लेकिन मोटा हिस्सा अगर उनका उस तरह की कंपनियों में है जो कि लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है, तो हमें वहाँ थोड़ा सा सजग होने की ज़रूरत है। दोस्तों ये तो हुई हमारी आज की बेसिक बातें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है। जैसे म्यूचुअल फंड में आपने 500 रुपये दिए, तो बदले में आपको क्या मिलेगा और कितना मिलेगा, इसका कैलकुलेशन कैसे होती है। म्यूचुअल फंड में एक टर्म यूज़ होती है यूनिट। जैसे मान लीजिए शेयर में आपको पता रहता है, आप गिन लेते हैं कि 50 रुपये का एक शेयर, तो 500 रुपये में आपको 10 शेयर मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में ऐसे शेयर नहीं मिलते हैं, म्यूचुअल फंड में शेयर की जगह जो मिलती है वो यूनिट मिलती है। तो उस यूनिट का कैलकुलेशन कैसा होता है, मतलब किस बेस पे होता है और कैलकुलेट क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। अब उसमें कमीशन कितना कटता है, कमीशन क्या हर महीने कटता है, 6 महीने में कटता है, हर साल कटता है, क्या हमें प्रॉफिट होगा तो ही हम कमीशन देंगे या लॉस पर भी हमें कमीशन देना है, ये सारी बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिएगा। यदि आपके आस पड़ोस में या कोई भी आपका मित्र, फैमिली, फ्रेंड्स देखना चाहें इस तरह की जानकारी, उनको आप, अगर आपको लगता है कि इस तरह की जानकारी से उनको फ़ायदा होगा, तो ये आप वीडियो उनको लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को हर बार की तरह इस बार भी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।